नमस्कार दोस्तों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लाइव हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ये देखिए, दिल्ली और नेशनल हाईवे जो है, सिरसा से नेशनल हाईवे जो दिल्ली की तरफ जाता है NH9, बहुत खूबसूरत दृश्य है। देखिए बोगनवेलिया आस पास बनी हुई है, और इसके अलावा हम जो है आपको लाइव तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की भी दिखाएंगे। आप हमारे साथ चलते रहिए। ये देखिए बोगनवेलिया जो गर्मियों के मौसम में बेहद खूबसूरत होती हैं, और इन पे फूल जो है वो भी गर्मियों के मौसम में आते हैं। और ये NH9 है, और बहुत खूबसूरत लगता है ये दूर से देखने में। जब आप सफ़र करते हैं, सफ़र पे होते हैं, अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो और भी अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य है दोस्तों। ये देखिए, हम जो है इस समय फतेहाबाद की तरफ निकल रहे हैं, और रास्ते में जो है आपको जो कुछ भी दिखाई देगा, खासकर हम किसानों से संबंधित आपको दिखाएंगे। चलते रहिए हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं दिल्ली टीकरी बॉर्डर। और ये देखिए, ये यहाँ पर किसान जो आप देख सकते हैं, नीला तंबू लगा हुआ है और दूसरे तंबू लगे हुए हैं। किसानों के झंडे आप लगातार देख सकते हैं, चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। और इवन की सड़कों पर भी तंबू लगे हुए हैं, किसानों ने डेरा जमा रखा है। और कुछ लोग कहते थे कि किसान जो है अब कम हो गए हैं, ये उन लोगों का वहम है। अभी आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ जो है टेंट लगे हुए हैं, और एक टेंट में लोगों ने दरअसल क्या कर रखा है, किसानों ने अपनी जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं उन्हीं को अपना घर बना रखा है। उसमें तमाम तरह की सुविधाएं आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। यहां पर किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं। मेट्रो का ये जो पुल है, मेट्रो जहां से गुजरती है, उन सभी पिलरों के नीचे किसान आपको बैठे हुए नज़र आ जाएंगे। देखिए चारों तरफ आपका जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे, आपको केवल किसानों के झंडे और ट्रैक्टर ट्रालियां ही मिलेंगी। तमाम तरह के जो तमाम किसानों के जो संगठन हैं, उन सभी संगठनों के यहां ध्वज जो है आपको झंडे नज़र आ जाएंगे। सभी अलग अलग क्षेत्र से, खासकर पंजाब क्षेत्र से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, हरियाणा से भी हैं। और ये देखिए, जहाँ तक भी नज़र जाती है, केवल किसान ही किसान आपको नज़र आएंगे। आसपास की, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा वालों को भी जगह नहीं मिल रही है निकलने के लिए। आम आदमी को ज़रूर थोड़ी परेशानी है, लेकिन अगर किसानों का देखें, जिस तरह से किसान यहाँ डटे हुए हैं, उनके मुकाबले कुछ भी समस्या आम आदमी को नहीं है। क्योंकि किसान जो है इस समय टीकरी बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं, और इस समय किसानों को फसल का आवक है, फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। अब उन लोगों को भी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ डटे हुए हैं। ये देखिए, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ किसानों के लिए आपको दिखाई दे जाएंगी। जो पीछे ड्रम रखे हुए थे, पानी के टैंकर जगह जगह खड़े हुए आपको नज़र आएंगे। ये तमाम तरह की सुविधाएं किसानों ने अपने स्तर पर कर रखी है। ये देखिए, जगह जगह लाठी और झंडा लिए हुए जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए दोस्तों, ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, और आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी जहां किसान न हो। हर जगह आपको किसान नज़र आएंगे। ये देखिए, तमाम पूरी तरह से तमाम वो बैनर जो किसान आंदोलन को प्रदर्शित करते हैं, वो सब आपको ट्रॉलियों पे लगे हुए नज़र आ जाएंगे। यहां तक कि छोटी छोटी दुकानें भी जो है आसपास लग चुकी हैं, और मीटिंग हॉल भी बना दिए गए हैं। ट्रॉलियों के जो ट्रालियां हैं, ट्रैक्टरों के साथ जो लगी हुई हैं, उन पर तंबू लगा करके किसान जो है बैठने की व्यवस्था भी अपने स्तर पर कर चुके हैं। हर तरह की
और ये लगातार 4 महीनों से जो है इस तरह का माहौल है। ये देखिए सिंगल गाड़ियों को ही निकलने की यहाँ जगह हैं। पगड़ी संभाल जट्टा का बैनर लगा हुआ है और ये देखिए पानी के टैंकर जो हैं वो आपको हर जगह नज़र आएंगे। लंगर की व्यवस्था जो है वो भी तमाम जगह देखने को मिली है। कई जगह जब हम यहाँ से रास्ते से गुजर रहे हैं तो अलग अलग जगह पर हम जो है लंगर की व्यवस्था भी नज़र आ रही है। ये देखिए ऑटो रिक्शा को निकलने में तो काफ़ी परेशानी हो रही है। ये देखिए जहाँ तक आप जाएंगे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी यहाँ तादाद जो है किसानों की है। अगर आप ट्रालियाँ गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन जो है किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियों की गिनती जो पूरी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ये हरी चादर बना रखी है, यहाँ लंगर बनाया जाता है और कूलर भी, ये छोटे छोटे टेंट बना रखे हैं उन सब के अंदर कूलर भी लगे हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे मकान भी किसानों ने बना रखे हैं बिल्कुल दोनों तरफ। आप दोनों तरफ कहीं पर भी देखेंगे केवल किसानों की ट्रालियाँ। एक समय ऐसा था यहाँ पर बहुत सारी दुकानें और रेहड़ियाँ लगती थी लेकिन इस समय वो रेहड़ियाँ दिखाई भी नहीं दे रही है और केवल यहाँ जो है किसानों के लिए और जो है किसानों द्वारा ही छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ बनाई हुई हैं और हो सकता है ये आम लोग भी हों जहाँ परमिशन इन लोगों ने किसानों से ले रखी है। और ये देखिए दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जो है तमाम तरह की दुकानें लग चुकी हैं। अब हम सीधा जाने के बजाय इस संकरी गली से होकर के निकलने की कोशिश करेंगे। तो पल पल में दोस्तों आपका स्वागत है, आप देखते रहिए और हमारी इस खास वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये लाइव है, फिर मिलते हैं, नमस्कार। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ